संबल डॉक्टर कफिल और आजम खान की रिहाई के लिए पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। जनपद संबल में पीस पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष सैयद असलम के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिला अधिकारी राकेश कुमार को सदर तहसील में सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि मौजूदा हालात में कोरोना का प्रकोप है, उसमें लोगों की जान बचाने के लिए सरकार को डॉक्टर कपिल को रिहा करना चाहिए और पूर्व काबीना मंत्री और मौजूदा सांसद आजम खान ने प्रदेश में शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की, ऐसे शब्द जो देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार ने उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर जेल में डाल रखा है, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। पीस पार्टी कार्यकर्ता जब तक इन बेगुनाहों की आजादी नहीं हो जाती तब तक जन आंदोलन करती रहेगी। कर आए हैं राज्यपाल महोदय को संबोधित के इसी देश में बीजेपी की जो जालिम सरकार है, जो जुल्म ढा रही है उन लोगों पर, जो हमारे सम्मानित लोग हैं आजम खां जो सांसद हैं, उन्हें जो है क्या इसकी सजा दी गई कि उन्होंने जो है जौहर यूनिवर्सिटी दी और हजारों लोगों को, लाखों लोगों के हाथ में कलम दिया देश को जो है ऊंचा करने के लिए, देश के नाम को ऊंचा करने के लिए, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया, उनकी बीवी को गिरफ्तार किया बकरी चोरी और भैंस चोरी के इल्ज़ाम में, 2 बीघे ज़मीन के इल्ज़ाम में। ऐसे सम्मान डॉक्टर, वो डॉक्टर कफील जिसने हजार हाँ लोगों की जान अपनी जो है बचाई और जो है उसको हॉस्पिटल में जब जिस वक्त में अपने उसके जो है गोरखपुर हॉस्पिटल में जो बच्चों की जान बचाई, उस आदमी को जो है गिरफ्तार किया गया इस कोरोना महामारी के दौर में, जहां हजारों लोगों की डॉक्टर कफील द्वारा जो है जान बचाई जा सकती थी। जो इसी तरीके से अनवर उस्मान हजार हाँ लोगों को हमारे इस देश में आप हैरत करेंगे। हैरत की बात यह है कि ऐसे प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े जैसे लोगों को, जिन्होंने 30 किताबें लिखी, जिन्होंने 30 किताबें जो गरीबों की आवाज़ बना करते थे, ऐसे लोगों को जब जेल में डाल दिया जाएगा तो इस देश का क्या होगा? इस देश का क्या, यहाँ के जो है भाईचारे को, यहाँ की जो है तरक्की को बीजेपी सरकार जो है रोकने का काम कर रही है, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे वो सेंट्रल सरकार हो, हम उसकी घोर निंदा करते हैं।